हमें तो इस जमीन के बारे में बताया था कि ये जमीन बेचनी है, लेकिन उसने वो जमीन बेची जो हमने पहले भेजी थी। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, हम उसके पास नहीं गए। खाली वो हमें साइन करने के लिए बोलता था, हम करते थे, उसके भरोसा करते थे हम लोग। अच्छा, उसने ऐसा धोखा दिया हमको। ये लोग धमकाते रहते थे, अरे धमका के अंगूठा लेके थे उसका, लेके उधर रहते कि अपने अंगूठा नहीं दिया ना तो हम लोग मर। जैसे कि फोकस न्यूज खबरों की तलाश और सताकत न्यूज ने आपकी न्यूज चलाई है। अच्छा। उनको वार्न करने की बात कर रहा है जीवन, जैसे कि बोले कि आप क्या वार्निंग उसको, इनको क्या धमकी देना चाहते हो, ऐसा कह रहा है। वो शादी ब्याह में फोटोग्राफी करने वाला था, वो पत्रकारों के बीच में घुस गया था। हालांकि जीवन जी समझदारी से जवाब दिया, वो समझ गए थे कि कोई शादी ब्याह में फोटो निकालने वाला फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है। आज हम फिर पनवेल में है, वाल्मीकि परिवार के घर पे। मैडम जी, आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। जय माला पाटिल। जी जी जी, जैसे कि अभी कुछ चैनलों पे न्यूज चल रही है कि आप लोगों ने एक जमीन बेची थी और बेकायदा पूरे परिवार के साथ आप लोगों ने जाके रजिस्ट्री किया था 4 साल पहले। उनका आरोप है कि 4 साल तक आप क्यों खामोश थे और अभी क्यों इस तरह से आरोप लगा रहे? हमें पता ही नहीं था ना उस बारे में। हमें तो इस जमीन के बारे में बताया था कि ये जमीन बेचनी है, लेकिन उसने वो जमीन बेची जो हमने पहले भेजी थी। जी जी, मतलब जो पहले आप जमीन बेच चुके थे उन्होंने उसका रजिस्ट्री करा, ऐसा हाँ, कहना। हाँ, और आप मतलब पहले इस जमीन के लोगों ने बात किया था, ये बात किया था इसके बारे में। हाँ, तो आपस से समझा दीजिए ताकि न्यूज देखने वाले भी समझ जाएं। हमें बताया गया था पहले ये जमीन बेचने सर्वे नंबर 24 का, तो बात नहीं, उधर रजिस्ट्री ऑफिस में लेके गए। हमें पता नहीं था उसने क्या किया, किसपे साइन लिया है। बाद में पता चला कि वो जमीन हमने पहले भेजी थी सलाउद्दीन अंकल को, वो जमीन भेजा है उसने। अच्छा, सलाउद्दीन खान को जो आपने जमीन बेची थी। अच्छा, उनका ये भी आरोप है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है ये जीवन जो है जीवन वालिकर करके हैं, आप लोग उनके पास गए थे और उनको आपने आप लोगों ने कहा कि ये हमारी एक हमारे घर में शादी है और दूसरा आप किसी बहन का या बेटी की किसी ने जला के ले लिया है, तो उसके लिए पैसा चाहिए था जिसके लिए आपने वो जमीन को बेची थी, वो क्या मामला है वो? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, हम उसके पास नहीं गए, उसके पास नहीं गए थे हम, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो जैसे वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री जो हमने आप लोगों ने जो रजिस्ट्री किया था तो गन के पॉइंट पे रख के रजिस्ट्री नहीं करवाया उन्होंने, ऐसा कह रहा है। तो आप लोग रजिस्ट्री किए जाके पूरे परिवार के साथ? हाँ गए थे, लेकिन इस जमीन है ना, ये बताया था उसने कि ये खरीदने बेचने। अच्छा, ये दूसरी जमीन जो है ये हाँ, क्या है, सर्वे नंबर सर्विस। अच्छा, सर्विस। अच्छा, ये मतलब बताया गया कि ये खरीदना है। हाँ। लेकिन जाने के बाद दूसरी जमीन का रजिस्ट्री करा ली। हाँ। जो आप पहले सलाउद्दीन को बेच चुके थे। हाँ। जैसे कि आप पिछले न्यूज में आपने कहा था कि आपको किसी ने फोन किया था और बोला कि आपको 16 आपके भाई को फोन आया था और 16 लाख रुपए दिया गया था, वो क्या मामला है? उसने मेरे भाई को फोन करवाया था किसी से, तो वो बोला 16 लाख दिया, अभी न्यूज में बता रहे 9 लाख दिया, कितना झूठ बोल रहे हो? जी जी, आपके यही भाई है ना? हाँ, यही भाई है जी। क्या नाम आपका? आकाश। आकाश, आपको किसने फोन किया था? मेरा दोस्त है दीपक करके। हाँ। उसने मुझे फोन किया था। अच्छा, क्या बोला? तो बोला मुझे क्या आपको केस आपके ऊपर केस करने वाले है जीवन वाली पर। क्यों? क्योंकि आपने पैसा लिया है 16 लाख रुपए, इसकी वजह से केस करने वाले। लेकिन जो न्यूज में तो 9 लाख बता रहे हैं। तो वो झूठ बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं 9 लाख फिर 16। हाँ। और कर मिला था गणेश करके। हाँ जी जी, बैंक में। हाँ। वो बोल रहा था कि पैसा खत्म हो गया आपका दिया हुआ, हमको पैसा ही नहीं मिला तो पैसा खत्म होएगा। हाँ। तो माँ बोली उसको ये झूठ बोल रहा है तू। ज्वाइंट अकाउंट खोला था माँ का और उसका, तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, माँ का और मेरा खोलना चाहिए था ज्वाइंट अकाउंट। हाँ। तो उसने उसका खोला। किसका ज्वाइंट अकाउंट खोला? माँ का और गणेश का। मतलब वो गणेश जो है आपके कौन लगते हैं? काका लगते हैं हमारे। काका लगते हैं। तो आपके माँ के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोला था, तो जो चेक दिया गया था उसी अकाउंट में दिया गया था क्या? उसी अकाउंट में, लेकिन हमको मिला ही नहीं वो चेक। अच्छा जी जी, आपके साथ में एक और है, क्या नाम है सर आपका? पटेल। क्या मामला है जो ये विवाद चल रहा है और जो है और भी न्यूज़ में वो जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने वो जमीन उनको बेची थी? कंडीशन बैड है हमारी, और किसने कुछ नहीं बोला, ये सलाउद्दीन जी है ना, उन्हें जमीन दिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनका दूसरी जमीन दे उसमें से लेके दूसरे बेच दिया सब पूरा जमीन। जैसे जीवन वालकर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि आप 4 साल तक खामोश था आपका परिवार, लेकिन चंद पैसों के लालच में आके इस तरह से आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर। तो हमारे जिस दिन लड़कियों की शादी थी उस टाइम भागदौड़ कर तभी पैसा लेते ना, अभी क्यों लालच किया हमने? अभी हमको कुछ जरूरत नहीं हमको लालच करने की, घर की हालत देखो, वही 9 लाख या 16 लाख हमको मिले होते, हमारे घर की हालत ये नहीं होती ना, वही नहीं कम से कम 50 से 60 लाख का फ्रॉड है ये।
और उनका चेक भी है, अगर बैंक में सामने उसका ये निकाले हैं डिटेल, तो मालूम पड़ा है कि इसके ज्वाइंट अकाउंट में काका का नाम धरा है, लड़का मर गया था क्या उनका, लड़का जिंदा है ना, तो लड़के का ज्वाइंट अकाउंट मम्मी के साथ, तो काका का कैसा है, तो उसमें वही अकाउंट में से दूसरे को चेक दिए गए, और इनको मालूम भी नहीं है कि कोई चेक दिया क्या दिया है, अभी हमारे साथ सलाउद्दीन खान साहब भी हैं। खान साहब भी क्या मामला है, क्या माजरा है, जिस तरह से जीवन और कयूम चौधरी और जो है साहिद परवेज जी जितने भी है बोल रहे हैं आपको हम जानते नहीं, आप कभी मतलब नहीं ताल्लुक नहीं, लेकिन आप खाम खाम उनको परेशान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। मैं प्रूफ दे देता हूँ, बिना प्रूफ के मैं बातें नहीं करता हूँ। ये मेरा डाटा का नंबर है 2027-2005 में जी जी, और इसका रजिस्टर नंबर है परमार्थन नंबर 248 जी, 200 रजिस्टर, और दो नंबर रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर हुआ है 2005 में जी, और ये बोल रहा है मतलब इनकी नोटरी थी तो कुछ भी इनका है, ये मेरा रजिस्टर डॉक्यूमेंट है। जिस तरह से जीवन कह रहे हैं, जीवन जो बता रहे हैं ना कि मतलब इनका कुछ पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, मिलीटर है, ये मेरा है, और उसके बदले में मैं जो है और दिखाता हूँ, और फेस वाले खड़े हैं, ये पैसे, ये जब तक पैसे मैंने जो है ये मेरे नाम से पैसे पूरे दिए गए, ये मैंने बैठा दिया हूँ, और इनका इसके ऊपर कमला भाई जो ताई है उनका लगा हुआ है, अच्छा कि पैसा मिला हुआ है, बाकी पैसा मैंने रजिस्टर के टाइम पर पूरा पेड कर दिया था, ये लोग खड़े हैं सामने आपको करते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि वो जमीन के हकदार वो है, ये जो है जमीन तो अब तो जमीन पैसा भी मैंने दिया, लोग खड़े हैं, हाँ जी जी पूछ लीजिए पहले, हाँ नहीं वो तो बता रहे हैं कि कोई दूसरी जमीन उन्होंने दिखाया था, लेकिन वो दूसरी का दिखाकर अलग है, जो मैंने खरीदा, हाँ मैंने अपनी जमीन का जो है नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 उसका मैंने पैसा दिया हूँ, हाँ जी ये मेरे पास रिसीट भी है। जी जी सही कह रहे हैं सलाउद्दीन खान साहब, जी जी हाँ बोलिए, बाकी मेरे रजिस्टर के टाइम पर पूरा इनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, और ना इनसे भी जो कुछ झगड़ा है, हाँ जी इनके साथ मेरा कोई टकराव है, ना इनको मेरे साथ कोई टकराव है, हाँ जी जी ये तो हो गया इसका जो है मतलब ये जुर्मन जो बोल रहा है कि मैं जो है मतलब ये जानता नहीं हूँ और इनके पास कुछ पेपर नहीं है, उन्होंने पैसा दिया नहीं, अब ये पैसा मेरे पास है, और दूसरा जो कह रहा है कि मैं इनको जानता नहीं, 25 दिसंबर को मेरे पास इसने फोन किया संतोष पाटिल के मोबाइल से जी, दोनों साथ में थे, संतोष पाटिल कौन है, संतोष पाटिल इसी का दोस्त है, अच्छा। जो बिजनेस में इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है जी जी उसका नाम है, इसने जो है बोला कि गणेश पाटिल मेरे पास पेपर लेके आया है और उसमें देखा हूँ कि आपके नाम का पेपर है, वो बेचना चाहता है, तो मुझे जरा हकीकत बताओ कि क्या है, तो मैंने कहा ये जमीन मैं ले चुका हूँ, बिक चुका है, कुछ लोगों को थोड़ा बड़ा जमीन है जो खेतरी का पुरावा आना बाकी है, उसकी वजह से उनका हुआ 7-12 नहीं हुआ कि रजिस्टर हो चुका है, इसके लिए अगर आपके पास आए तो सीधा उसको मतलब मत करो, तो बोला नहीं हमको उस पर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकी हुई जमीन अगर हम लेंगे तो केस होगा, तो जिसका पहले जो रजिस्टर वही जीतेगा, इतना मुझसे बात भी किया, और फिर मैंने इसको जो है रिकॉर्डिंग भी भेजा मैंने इसको, बातें इससे मेरे बीच में हुई थी वो मैंने इसको रिकॉर्डिंग भेजा, ताकि मतलब ये कभी इसमें हार न डाले, भाई मेरा फोन रिकॉर्ड हो चुका है, जो बात हुई है संतुष्ट की थी और इसमें पड़े रहे, लेकिन ये सारी इंक्वायरी लेने के बाद में भी अब ये कह रहा है कि नहीं अब ये पूरी नहीं निकालेगी 25 दिसंबर का, और रिकॉर्डिंग कंपनी से निकाला जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि मुझे जानता नहीं जानता है, वो तीनों जन जो है जीवन के बाद में जब मैं जगह पर जिन लोगों ने जगह ले लिया, इसके बाद में जब कोई जानकारी लेने के बाद में भी जगह कई जिन लोगों को दूसरी जगह बोल करके और लोग ले आकर बेवकूफ बना करके मेरी जगह तंग करा दिया, अब मैं जगह पर जाकर के जब मैंने बोर्ड मारा उस जगह पे कोई था लेकर के मुझे दौड़ा मारने के लिए, कौन दौड़ा ये जीवन, हाँ ये तो कहते हैं आपको जानते ही नहीं, कभी देखे नहीं, कभी मिले नहीं, ना कि 25 दिसंबर को मुझे जो फोन किया और मैंने रिकॉर्डिंग भी याद, मैंने जो न्यूज चलाया था ना मैं जानबूझ करके न्यूज चलाया कि जरा क्या हकीकत है, इसकी झूठ के ऑन द रिकॉर्ड सबूत के साथ आना चाहिए, ताकि इनकी ही रिपोर्टिंग वही जो वीडियो है इन्होंने चलाया है वही वीडियो मैं जो है सबूत के तौर पर ऊपर में पेश करूं, जैसे वो कह रहे हैं कि अदालत में मामला चल रहा है, इसके बाद जो है चल रहा है जैसे कह रहा है कि अदालत में मामला चल रहा है, अगर अदालत को उसको इतना ही ख्याल है उसकी मर्यादा को इसको मतलब इतना ही ख्याल है, तो जब मैंने कोर्ट का बोर्ड मार दिया कि जब कोर्ट में जमीन का मतलब केस चला गया कोर्ट में, तो इसको तो बनाना नहीं चाहिए कि भाई कोर्ट ऑफ खंडन क्यों कर रहा है, लेकिन कोर्ट को बोर्ड को उखाड़ दिया और बहुत इंतजार बात किया जहाँ लेडीज में नहीं बोल सकता हूँ, उखाड़ के फेंक करके बना लिया, तो इसको तो कोर्ट ऑफ खंडन नहीं करना चाहिए था, टाइम के पास हेरसमेंट कर रहा है, वो मुझे धमकी दिया, मैं उसके हेरसमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रूफ है।
और कयूम चौधरी जो कहता है कि मतलब मैं साहिब भाई के साथ हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं लेन देन है। जबकि आपने पहले भी बोल दिए थे, जब मैंने आपको पहली मतलब ऑफर दे दिया तो आपने पहले कहा कि मैं अगर आपका काम लीगल है या डॉक्टर में जो भी दोनों है, अगर चेक अगर गांव वाले अकाउंट में गया होगा तो मैं न्यू नहीं जाऊंगा। अगर ये चीज को चेक लोगों ने फरार किया है मैं चेक करूंगा तभी नहीं चलाऊंगा। जी जी, ये आपने पहले पढ़ लिया तो मैंने आपने पढ़ा, देखा कि चेक इन्होंने इनके अकाउंट में नहीं आए, मैंने आपको बताया ये चेक जो है फेमस कंसेशन को दिया। अब फेमस कंसेशन कौन है ये क्या जानते हैं? फेमस कंसेशन को पूछिए, लोग जानते हैं क्या कौन है ये फेमस कंसेशन कौन है आप जानते? नहीं जानते, नहीं जानते हैं लोग। अभी बताइए कयूम चौधरी, कयूम चौधरी अपने चाचा बैतुल्लाह को 6 गुंठा जमीन बिछवाया है, वो भी जो है 6 गुंठा। अब वो चेक नंबर ये है, पांच छह चेक है इसका भी, छह इसका भी है। अब इसने जो है ये पता करे पुलिस कि ये चेक गया किसको, ये चेक जो है आखिर चेक से पेमेंट किया, चेक से आपको भी मालूम है कि चेक के अंदर व्यवहार जो उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर किसी का दूसरे का जिक्र नहीं है, डायरेक्ट ये साहिब परवेज और इस्माइल और बैतुल्ला कह रहे हैं कि हम गांव वालों को चेक दे रहे हैं, हमसे चेक से हमारा व्यवहार हो रहा है। तो चेक से जो व्यवहार होता है तो उन्हीं के अकाउंट में जाता है, ना कि तीसरे को जाता है। अगर फेमस इनका कुछ लेना देना भाई चलना इनका पहले कुछ नहीं है, अगर रहता भी तो ये लोग अपना लेन देन से समझते, ना कि इसके जो है ताकि कुछ नहीं मतलब इनका कोई पावर निकले उनको पैसा दे देना। जी जी, ये डायरेक्टली फेमस को दे देंगे, ये दिली भगत है सब फेमस इन्हीं का आदमी, इसके लिए जो है उसको पैसा दे करके और पैसा आपस में बांट के खाए। हाँ नहीं मतलब वो चेक इनका चेक जो है दूसरे अकाउंट में डाल के वो खुद ही निकाले ऐसा कहना आपका ना। हाँ जी, अब ये न्यूज चैनल जो चला रहे हैं लोग, ये न्यूज वालों को भी जो जिस चैनल पे चला रहे हैं उनको हकीकत बता भी नहीं रहे, और शायद हो सकता है कि वो लोग बता नहीं रहे लोग और वो लोग पढ़ते भी नहीं है कि पढ़ना चाहिए, पूछना चाहिए कि चेक गया कहाँ। तुम्हें चेक तो देना चाहिए गांव वाले का, अगर तुमने गांव वाले के अकाउंट में दिया होता तो गांव वाले फरार में आते। हाँ जी जी, बराबर है ना। अगर इनके अकाउंट में आता तो ये होता है लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी जी, झूठ बोल रहे हैं तुम लोग, चेक लेकर के आप झूठा बोल रहे हो। तो तुम लोग जब लीगल हो तो चेक जाना चाहिए इनके अकाउंट में। कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर वो माल किसी से लेता है तो चेक किसको देता है, माल वाले को देता है या किसी दूसरे को देता है? जी जी सही बात, जो जिससे खरीदी करता है उसी को पैसा देता है। इनको पूछना चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, ये पैसा सिर्फ गया किसको, ये पैसा उनको गांव वाले देना चाहिए, फेमस वाले से तुम्हारा कोई लेन देन होना चाहिए। ज्यादा तुम फरार नहीं किए हो तो फेमस उठ दिए, ये चीज पुलिस भी पूछेगी। ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब एफआईआर को मैं तो ये इसीलिए न्यूज चैनल पे डाला कि रिकॉर्ड में सबूत आवे, ये लोग चैनल पे आवे जवाब में ये कुछ आवे ताकि मुझे कुछ प्रूफ मिले, ताकि ये पेपर मतलब मुझे ठोस सबूत चाहिए था, तो सबूत मैंने दे दिया कि इसने मुझे धमकी दिया कि मतलब तुम केस वापस ले लो, केस मत करो। और उसके बाद में दूसरा ये कयूम जो कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ, फिर इनके व्यवहार पूछे तो दोस्त है इसके साथ में हूँ, चाचा होगी और मेरे पास रिपोर्टिंग है। जी साहिद परवेज भी जो कह रहे हैं कि आपको जानते नहीं, खामखा जो है बदनाम करने जानते नहीं, परेशान धमकी क्यों दिया, एनसी नंबर है ये तो मैं तो अपनी जुबानी नहीं बोला, मेरे पास पेपर है और रिकॉर्ड है पुलिस के पास, और कयूम चौधरी रिकॉर्ड वो भी है मेरे पास, अगर चाहे आप तो चला सकते हैं, वैभव पाटिल से धमकी दिलाया उसने, इसका नाम भी लिया उसने रिपोर्टिंग में, उसका नाम भी लिया हुआ है ये वैभव पाटिल, ये नंबर उसका है 9867542325। किसका नंबर है ये? वैभव पाटिल, जो इसका कयूम का दोस्त है, उसने धमकी दे मुझे धमकी भी दिया और गालियां भी बोल दिया उसने और इसका नाम भी लिया उसने। अगर ये उसमें नहीं मिला हुआ है तो फिर मुझे धमकी क्यों दिलाया, उसे धमकी क्यों दिलाया? हाँ जैसे इन्होंने मुझे जैसे फोन किया था कि आइए आप उत्तर से ले चलना है, गिफ्ट रखा है, और इसी तरह से हो सकता है धमकी आपको भी दिया हो सकता है। मैं थोड़ी रिपोर्टिंग सुना भी दूँ। हाँ नहीं ठीक है, चलिए। अच्छा मैडम जी, क्या कहना चाहेंगी आपको आपस से, जो आपके साथ इस तरह से धोखाधड़ी हुई है वो तो कहते हैं हमने धोखाधड़ी नहीं की है और न गन पॉइंट पे आप लोगों से लिखवाया है, तो ये जो आप कह रही हैं कि जो आपने दूसरी जमीन उनको बताया बेचने के लिए और दूसरी जमीन उन्होंने मतलब रजिस्ट्री कराया, उस पर क्या कहेंगे आप फिर से? मुझे तो बता, हमें तो बताया जाए था ये जमीन बेचनी है, लेकिन उसने वो रजिस्टर ऑफिस में वो जमीन भेजी, उन हमने अंकों को भेजी थी, पता भी नहीं था उसने ऐसा कुछ किया है। अच्छा, आपको धोखे में रखा और जो है, हाँ तो जिस तरह से लोगों में कंफ्यूजन है, लोग कह रहे जैसे कि लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन है वहाँ भी किसका हकदार है, तो लोग समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हम ऑन साइड न्यूज चला रहे हैं, आप लोग हमको बुलाते तो हम आते हैं, उनका कहना है कि हम ऑन साइड न्यूज चला रहे हैं, और जो न्यूज चलाने वाले लोग हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला क्या है, तो मामला आपने बताया सर, आप बताइए इस मामले को वापस से सर बताइए क्या मामला है जो कह रही हैं मैडम। मामला ये है कि
जमीन बोले ना ये जी जी बोल के ये जमीन बेचनी है जो सलाहुद्दीन जी अंकल को जो बेची जमीन उसमें साइन दे दिया उनका और वो जमीन वापस उन्होंने व्यवहार करके दूसरों को बेच दिया और वो चार साल उनको अंदर में रहते हैं ये जमीन का व्यवहार है वो जमीन का व्यवहार है और उनको चुप से मतलब उसने शांति दे दिया शांति देकर कौन सी जमीन का पिछले महीने उन्होंने कहा कि मैं उससे पैसा मांग रही थी तो कौन सी जमीन का जरा वो भी खुला खुला था। हाँ तो वही जैसे वो कह रहे हैं कि हमने जैसे कि आपके भाई ने बताया और पिछले न्यूज में आपने भी कहा था कि फोन आया था और 16 लाख रुपए दिया गया ऐसा कह रहा है वो लोग कह रहे हैं अभी न्यूज में 9 लाख बता रहे हैं तो 9 लाख किस चीज का बता रहे हैं कौन सी जमीन का बता रहे हो आप हमें नहीं बताओ किस जमीन का क्योंकि उसने पैसा दिया ही नहीं मतलब आपको कोई पैसा नहीं मिला हाँ हाँ मैंने पैसा मांगा था तो ये जमीन का मांगा था क्योंकि आपने बोला गया था ये हमारी जमीन बेचनी है तो मैंने इसका पैसा मांगा था लेकिन उसने ऐसा फ्रॉड किया है हमारे साथ दूसरी जमीन जी जी जो आपने बेचा था वो फ्रॉड करके ओवर एसटी करवा लिया ऐसा आपको कहना जी जी क्या कह रहे थे आप जो अगले वीडियो लोग बनाए हैं जिन चैनलों पे डाल रहे हैं अगर वो न्यूज देखे ये वीडियो नहीं तो उनसे मेरा मतलब ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये लोग आए चैनल के ऊपर ये पूछे उसे ये 6 चेक कयूम से पूछे तुम्हारे चाचा को जो तुमने बेचवाया है 18,85,000 रुपए का चेक डाला हुआ चेक नंबर डाला हुआ है और इसमें उनका चाचा और सब कबूल कर रहे हैं कि हम इन लोगों को चेक से पेमेंट से हम इनकी जमीन खरीद रहे हैं तो पूछे कि ये चेक पास किसको दिया तुमने क्या गांव वाले के अकाउंट में भेजा सबके अकाउंट में जितने भी 7-12 वाले जितना नाम है सारे लोगों के अकाउंट में जाना चाहिए भाई साहब तभी तुम्हारा चेक जो है रिटेल वैल्यू रहेगी नहीं तो वो बता तो रहे हैं कि जो है ज्वाइंट अकाउंट खोले थे उनके चाचा कोई गणेश करके जो जीवन के साथ रहते हैं जीवन जी के साथ जो रहते हैं उसमें भी अभी निकाले लोग ना अभी मैंने पेपर चेक किया उसमें भी नहीं आया उसमें भी नहीं आया है ये जो है जी अब ये प्रूफ करें कि ये चेक गया कहाँ फेमस कौन होता है अब इसमें जो है इसका जो पूछे कि भाई अपने चाचा को लेके आओ और चेक का पूरा डिटेल लेके आओ अगर आपका चेक पास है अगर इनका चेक पास है तो न्यू चलाओ इनके अकाउंट में अगर पास है तो न्यू चलाओ जी जी जैसे भी मैडम जी कह रही हैं कि वो जो है ज्वाइंट अकाउंट माँ के साथ खोला गया और उनको पता ही नहीं ऐसे कहना है ना आपका हमें नहीं पता था उसने ज्वाइंट अकाउंट खोला है जी जी ज्वाइंट अकाउंट आप खोला हो तो चेक का आपने जांच करने के चेक कैसे कहाँ गया उसके कुछ जब पता चला आपको कि तो गणेश कुछ बता नहीं रहता हाँ हाँ उसने कुछ बोला नहीं हाँ खाली वो हमें साइन करने के लिए बोलता था हम करते थे उसे भरोसा करते थे हम लोग अच्छा मतलब ऐसा धोखा दिया हमको मतलब वो जहाँ बोलते थे यहाँ साइन कर दो आप लोग कर देते थे जैसे रजिस्ट्री कराया या रजिस्ट्री करने आप लोग गए थे जैसे जीवन जी कह रहे हैं कि हमने गन पॉइंट पे रजिस्ट्री नहीं कराया आप लोग सभी लोग गए तो मतलब भरोसे पे गए थे आप लोग की हाँ इस जमीन का सौदा करने वाले लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत किया ऐसा कहना आपका दूसरी जमीन का रजिस्ट्री करा लिया जी जी सर क्या कहेंगे आप उससे जी कहीं कहीं मैडम कुछ कहना है मेरे माँ को धमका के अंगूठा लेते थे अभी वो पैसे की नहीं है हाँ जी बोला इधर अंगूठा लगा वो लगाते थे अभी ये लोग बता रहे मतलब इनको मार्केट भी बनानी थी किसको कर दो नहीं तो ये जो है कहीं पुलिस में सलाहुद्दीन के पास जाके मिल जाएगी तो गंडू भाई के साथ जैसा वो बिल्कुल पुलिस है तो हम लोग सब अंदर चले जाएंगे किसको मारने की प्लानिंग कर मौका मिल जाए अच्छा हेमा जी को मौका मिल जाए कौन मारने का प्लानिंग कर रहा है जीवन हाँ ये लोग मुझे बताया जीवन गणेश और वो काले खान अच्छा फोटो जो मैंने हाँ काले खान बोले खत्म कर दो अभी मिल गई ना तो सबके साथ अंदर जाओगे और बहुत दिन के लिए लंबी लग जाएगी अच्छा तो ये तो कंप्लेंट करना चाहिए था आप लोगों को अगर इस तरह से पता चला है कि मरने का प्लान ये लोग जो है अभी तक नहीं जा रहे थे हमारे साथ तो बड़ा कोई नहीं है हम गरीब लोग हैं हाँ ये लोग धमका के रखते थे अभी वो देखो ना कुछ बोलते हैं जी जी इसीलिए तो उनसे पूछा भी नहीं क्योंकि पिछले न्यूज में भी हमने देख लिया था कुछ बोल नहीं पा रहे थे इसलिए हमने भी माजी से कुछ पूछा नहीं इसीलिए लोग बोल नहीं पाते ना मुझे थोड़ा बोलना पड़ता है हाँ क्या समझते हैं कि मैं इनको पैसा लेकर के बोलवाता हूँ हाँ हाँ और दलू साई जो करी है मुझे जी जी इनको जीवन और गणेश हाँ है एवढे चेक खाल मग माझे पैसे म्हणत आता मी केस असता येणार काढायला ते पण ना मला मला ते पैसे पण ना दिले द्यायचे मतलब पैसा मिळा नाही लगीन ठरलं तर मी पैसे मागायला गेलो तरी पैसे नाही दिले म्हणा साधे हाँ हाँ जी जी क्या कह रहे थे आप कही अभी अभी जो पैसा मांग रहे ना तो लोग पकड़ के क्या कर जाते हैं तुमने इसी जमीन को बेचा था ये पहली जमीन का बड़ा पैसा मांग रहे हो लोग इस जमीन का पैसा मांग रहे वो भी मांग रहे इसी जमीन का हमको हमारा जमीन इसके लड़की की शादी हुई मेरे की भी शादी हुई लोग को मालूम पड़ गया कि हमारी ये फर्क किया हमारे साथ जैसे वो कह रहे थे कि आपके घर में कोई शादी थी और कोई कोई लड़की ने जला के ले लिया था उसी दौरान आप लोग जीवन जी के पास जाके बोले कि हमारा इनसे सलाहुद्दीन से कुछ विवाद है हमारा निपटा कर दीजिए अच्छा कुछ नहीं है ना हाँ वो न्यूज में कह रहे हैं मतलब वो तो न्यूज आप देखे होंगे जी सलाहुद्दीन साहब क्या कह रहे थे आप कहिए
वो बोल रहे हैं कि उनकी लड़की शादी थी जल गई। हाँ हाँ। उसमें उसमें पैसा उसमें मेरे बीबी का कम से 3-4 काम था उसे बेच के उसका इलाज कराया था। हाँ, तो उनसे पैसा देते तो हमारी कंडीशन नहीं थी। वो कह रहे हैं कि जो है हमारे पास आए और बोले कि इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं कि मेरे बीबी खुद के काम के बेच के मेरे गले का चेन बेच दिया, मेरे गले का चेन बेच के मैंने इसका इलाज कराया। जी जी, सबका कुछ ना कुछ बेच के उसका इलाज कराया। पैसा हमारे पास 9,000-16,00,000 होता है बोलते वैसे तो अभी हमको बेचना नहीं पड़ता ना कुछ। हाँ नहीं, उसी टाइम पे वो कह रहे हैं कि आपने जो इनका पापा था कि था रद्द करने के नोटिस भी जारी किया था किसी ने? ऐसा कुछ नहीं किया था जी जी, किसी को ऐसा किए थे और वो पढ़ी लिखी अगर कहीं अंगूठा लेके दिए भी ना पेपर में दिए थे अंगूठा लेकर के पावर मेरा कैंसिल करने दिए थे, लेकिन उसमें सिर्फ उनकी साइन थी। जबकि कैंसिल करने के लिए मतलब अगर पेपर में आप दे रहे हो तो सारे लोग की साइन होनी चाहिए। और एक बात ये भी बता देता हूँ कि अगर ऐसा ही होता कानून कि अगर किसी को आप रजिस्टर कर दो और पैसा ले लो और फिर बाद में पेपर में जाकर के दे दो कि हमने कैंसिल कर दिया, तो आज कोई प्रॉपर्टी मतलब बेचता ही नहीं अपनी। भाई आज पैसा दिया पेपर में 1-2 महीने बाद जाकर के दे दिया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद में जब फिर जमीन भी दिया और पैसा भी ले लिया और जमीन वापस ले लिया। ऐसा मेरे पेपर में मतलब नोटिस देने थे किसी का रजिस्टर डॉक्यूमेंट कैंसिल होता है, कौन से कानून से होता है? ये कैंसिल होता है लेकिन सीधा दोनों पार्टी ये और मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, रजिस्ट्रार के सामने वहां लिखा पड़ी होती, रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रार साइन करता, उसके बाद तब कैंसिल होता है। किसी पेपर में दे रहे थे कोई रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होता है। जी जी, इन लोगों को मालूम नहीं है, असल मतलब चीटर जो होते हैं इनको कानून का मालूम नहीं होता है। इनको जो है चीटरों को पता नहीं होता कि मतलब कैसे कैंसिल होता है। अगर इस तरीके से हो तो हर कोई अपनी जमीन बेचेगा और जाकर के पेपर में नोटिस देते तब कैंसिल हो गया। अभी जो लोग बोले उसने हमें मेरे माँ ने उनको पैसा दिया है, हम क्या इतने अमीर है क्या उनको पैसा? हम के बच्चे मर गए थे वो ये उनको पैसा देंगे? अभी इनके हालत देखो, कहाँ से खून निकलता है, आपने जितना नहीं था उसके लिए पैसा नहीं है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ जी जी बोलिए कि ज्वाइंट खाता भी ये भी इंक्वायरी होना चाहिए, लोग घर बोल नहीं पाते। अब ये लोग जो है फैसला कर लेते कि ज्वाइंट खाता अगर फ्रॉड नहीं होता, अगर फ्रॉड नहीं करना होता उसको, तो इसमें गनिया जो है यहाँ से जो गनी पार्टी इतने जो है उनके साथ में ज्वाइंट खाता जाकर के खोले अपना, जबकि वो खानदान का मतलब रिश्तेदार है, इनका बेटा इनके बेटा है, बेटियां हैं, अगर उनको अकाउंट खोलना ही रहता तो अपने नाम पे खोलते ना जी, तुम्हारे नाम से क्यों खोले? अब वो अकाउंट को चेक किया जाए, मैं तो प्रशासन करूंगा उनकी तरफ से कि ये लोग जाए प्रशासन के पास और चले कि मतलब कि ये अकाउंट खाता खोला और कितने कितने लेन देन किया, वो भी इंक्वायरी हो और हमारा चेक। हम तो फेमस पे लोग बोले कि हम नहीं जानते फेमस कौन है, उसको क्यों गया? अगर हम लोग जानबूझ के भेजे होते हमारे हम अपने अकाउंट में रहते बराबर ना, हमको जानकारी रहती और सही बात, अगर जानकारी आदमी रहेगी तो वो डायरेक्ट जगह पर चेक अपना हाथ मिलेगा। जी जी सही बात है, बराबर ना, कोई भी आदमी इतना बेवकूफ नहीं है कि रजिस्टर करेगा चेक अपना हाथ में नहीं लेगा अगर जानबूझ के लेता। क्योंकि बेगुनाही का प्रूफ यही है कि ये लोग चेक दूसरे को दिए और हाथ में ले लिए, इसका मतलब है कि इनको जानकारी नहीं थी और भरोसे पर दूसरी जमीन लिया गया, इनको पता है। आप लोगों पे आरोप लग रहा है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि चंद पैसों के लिए आप लालच में आके जो है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा इन सबने खाया है और आपने लालच बोल रहे हो। हाँ जीवन वलकर जी जो है आप आरोप लगा रहे हैं, 20,00,000 रुपए लिया होता हमारे हालत ऐसे होती क्या? हमारे घर की हालत देखो जरा, हमारे हालत देखो कैसे है। जी जी, ये लोग कितना झूठ बोलेंगे। ठीक है सलाउद्दीन भाई, अभी मैडम जी जो जमीन की बात कर रहे हैं तो आप इसको सही ढंग से समझा दीजिए क्या मामला है ये, ताकि लोग न्यूज चलाने वाले भी समझ जाएं, देखने वाले भी समझ जाएं। सवाल यह है कि इन लोगों के साथ फ्रॉड करके दोनों के साथ फ्रॉड हुआ जमीन को, इनसे कहा गया कि आपकी जमीन सर्वे नंबर 26 हिस्सा नंबर 6 ये जमीन जो इन लोगों ने किसी को नहीं बेचा है, ये जमीन है आपको बेचना है, इन लोगों को हाँ बेचना है। बोले ठीक है, पार्टी को हो गया, मैं बातचीत करके उसके बाद सौदागर में जाता पेपर बनाते, पेपर बना करके इन लोगों को दिखाई कि सर्वे नंबर तुम्हारा देखो 26 का जो है नंबर 6 का हो गया है और तुम लोग को साइन करने चलना। तो ये बोले ठीक है, अभी लोग को पेपर तो ये बना के लेके गए, असल चीज है धनेश पाटिल जो इनके खानदान का चाचा लगता है इनके रिश्ते में, उसके ऊपर पूरा भरोसा करके लोग थाना लेके गए। वहां जाकर के जो जमीन जिन लोगों ने 2005 में मुझे बेचा था जी, उस जमीन को पेपर आपको बना करके जिनको तो पता था कि हमारी जमीन है जो बिकी नहीं है उसे साइन करना, लेकिन लोग वहाँ बना के पेपर ये रखते जी जी, जो रजिस्ट्री इन्होंने किया था मतलब उस पे जाकर के इन लोगों को साइन ले लिए, इन लोगों को साइन लेकर के और जो है उनको पता दिया और उसके ऊपर दिखाया चेक कि हम चेक थे पेमेंट कर रहे हैं। जी जी, अब वो चेक जो है मैं आगे चाहता हूँ कि जो लोग न्यूज चला रहे हैं जो पत्रकार है मतलब बाबा देख रही है वो इसे पूछे कि आपने जो डॉक्यूमेंट किया है इन लोगों से तो आपके चेक द्वारा आपने जो इनको ट्रांजेक्शन करना चाहिए, आपने दिखाया चेक तो चेक आपने किसको दिया है?
जी जी आपने स्टेटमेंट जो दे चुका है कि मैं फेमस को दिया उसे तो आपने क्यों दिया इसे पूछे न्यूज चैनल वाले और लोग भी पूछे कि आप जब पहला चेक दिए हो चेक आप खरीद करे हो तो आपको चेक देना चाहिए इनके अकाउंट में जी आपने नहीं दिया तो आप फ्रॉड कर रहे हो इसका मतलब आप भी इनके साथ में मिलकर पूरा किया कोई प्लानिंग नहीं किया ये सवाल उसे करें कि चेक गया क्यों आपने दिया फेमस को जी जी जैसे कि जीवन जी कह रहे हैं कि वन साइड न्यूज चैनल मैं चला रहा हूँ जो फोकस न्यूज पर खबर तलाश पे चल रही है एक चीज तो ये कह रहे हैं दूसरा जो है उनको एक शादी ब्याह में फोटोग्राफिक वीडियो निकालने वाला हमको वार्न करने की बात कर रहा है ऐसे लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के मैं चाहता हूँ ये लोग जो है जो वार्न कर रहे हैं तो एक तरफा न्यूज कई लोगों ने चलाया इनको मुझसे आगे पूछना चाहिए चलाने से पहले क्योंकि मेरी वीडियो अगर पूरी देखे होते तो समझ जाते ना समझे होते कम से कम मुझे बुलाते मैं इनको दिखाता पुलिस का स्टेटमेंट जो दिया है जी। ये मैं चेक दिया कलेक्टर के साथ की साइन है और इसकी खुद की साइन है कि फेमस को दे चुका चेक तो मैं उनको बताता हूँ मान करने पहले जो है इसको सोचना चाहिए मतलब वीडियो वालों को लेना चाहिए मुझे कि मतलब मैं भी बुलाता हूँ जैसे हम हमारे पर इंजाम लगा रहे एक तरफा नहीं चलाए तो मैं भी आज एक तरफा मतलब उनको वार्न करना चाहता हूँ एक तरफा आपने कैसे चलाया मुझे बुलाया होता तो मैं टांगों में साथ को देता कि आपको गुमराह कर रहे हो आवाम को और न्यूज चैनलों भी गुमराह करे ये पता नहीं रहता चाहे कि हमें और अक्सर साहब सब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमने पैसा दूसरे दे दिया है और हमारा डॉक्यूमेंट में चेक दिखाया हुआ है जी। बस लोगों को प्रशासन को और न्यूज चैनलों को गुमराह करते हैं तो आप इसके इनके गुमराही ना जाने इनसे सवाल करें बस मेरा इसलिए करना इनसे सवाल करें डॉक्यूमेंट माने यदि अक्सर साहब के सामने आप स्टेटमेंट दिया और लिख जाओ मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जैसे आपने पूरी पेपर पढ़ करके डेरी करके जिस तरीके से पढ़ने के बाद पेपर उसके बाद उसी तरीके से मुझे रिक्वेस्ट है सारे चैनल वाले को कि पहले डॉक्यूमेंट को पढ़े अच्छी तरीके से और ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है ये पुलिस का भी स्टेटमेंट दिया हुआ साइज रिपोर्ट छह चेक फेमस को दे दिया जबकि देना चाहिए था अगर तुम खरीदी में तो कह रहा कि हम तो गांव वाले खरीद रहे हैं चेक इनको दे रहे हैं चेक नहीं आना चाहिए था फेमस से क्या रिश्ता था उसका कुछ भी दे दिया तो मुझे रिक्वेस्ट है कि आठवीं बार चैनल चलावे पेपर मंगावे और पढ़े और पुलिस चौकी मुमरा में जाकर एनसी का जो है इंक्वायरी करें किसने मुझे धमकी दिया था वो सारी चीजें निकाल करके उसके बाद में मतलब नीचे आवे वो फेमस जी जी, वो जी फेमस क्या है वो भी हमें पता नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको जी जी आपको पता नहीं कि फेमस कंस्ट्रक्शन क्या है और किसका कौन किसके नाम पे चेक है लेकिन आपको उस चेक के जानकारी में आपको ये पता चल गया कि आपके माँ के और गणेश जी जो आपके चाचा है उनके नाम पे ज्वाइंट अकाउंट है ये आज आपको पता चल गया जी जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे तो कहना है इस गणेश को जीवन को और संतोष को जो भी लोग है ना सजा मिलनी चाहिए सजा भी मिलेगी जी जी ठीक है ये जी माँ जी आप भी आखिरी कुछ कहना चाहती हैं कहिए संतोष के बाद जी जी देखिए माँ जी भी ने कहा है अपनी बात रखी है सभी ने रखा है तो आप लोगों का धमका क्या अंगूठा लेते थे उसका लेके उधर जी जी माँ जी को धमकाते थे और अंगूठा ले लेते थे हाँ मतलब वो तो कह रहे कि हमने गन के पॉइंट पे रजिस्टर्ड नहीं किया लेकिन धमका के उन्होंने जो है जी जी धमका किया है जी जी पोलीस चौकी जाईल जास ना पोलीस चौकी मी पण आता तवरात बघता तुला सजा लागणार अच्छा वो लोग मर जाएंगे अच्छा बता मुझे बता दे इन लोगों ने कहा जब उसको मालूम पड़ा कि मतलब हमको लोग को जो मालूम पड़ गया तो बोले कि हमसे गलती तो हो गई है अब ऐसा करो कि तुम लोग जो है हमारे तरफ आ करके मतलब तुम लोग अंगूठा दो वरना हम लोग जो है मतलब सब कुछ सजा जाएगी इन लोगों ने कहा हम क्यों अंगूठा देंगे हमारे साथ फरार किया तो हम जेल में जाएंगे पैसा तुम लोग खाए हम लोग साइन करके वापस फंसे जी जी ऐसे ही मैडम जी जैसा कह रहे हैं जी जी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को चाहिए कि जीवन जी आप ये बताओ कि राइटर जब होता है डॉक्यूमेंट तुम अगर बीच में थे बराबर है ना अगर दलाल के हिसाब से थे तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेडिकल हो सौदा करवा रहे हो तो परचेज करने वाली पार्टी जब चेक से दिखा रही है कि इनके नाम पर चेक करे तो चाहिए था तुम्हें कि इनके नाम पर जो है चेक करवाना चाहिए था टोटल चेक बराबर है ना लेकिन वो जितने भी इनके सवाल किया मेन पॉइंट पे किया नहीं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पढ़े ही नहीं जी जी वो डॉक्यूमेंट पढ़े ही नहीं और उनको भी यहाँ पर पता नहीं होगा कानून के बारे में इसलिए पूछना चाहिए भाई ये चेक आपने दिखाया है ये डॉक्यूमेंट नंबर इसीलिए तो वो जीवन जी से कह रहा है कि आप उनको क्या धमकी देना चाहते हो यानी क्या वार्न करना है वो कह रहा है
हालांकि वो पत्रकार था ही नहीं, वो फोटोग्राफर था, शादी ब्याह जो फोटोग्राफी वीडियो निकालने वाला वो था। वो इस तरह सवाल करा जीवन जी से कि आप जिन्होंने इनकी न्यूज इनकी परिवार की न्यूज चलाई है आपके खिलाफ, उनको आप क्या वार्न करना चाहते हैं, यानी क्या धमकी देना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए। आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि तरफा न्यूज चला गया है हमारी न्यूज को, हमसे संपर्क नहीं किए, तो हमारी न्यूज को उन्होंने पूरी तरीके से देखा ही नहीं है। अगर वो देख लेते पूरी न्यूज को तो उनको पूरा खबर, उनको सवाल का जवाब, उनके सवाल का जवाब उसी मिल जाता। लेकिन उन लोगों ने हमारी पूरी न्यूज को देखा ही नहीं है, जो इन लोगों ने जीवन से कह दिया है वही करते हैं। अगर देखा होता तो जीवन से इस तरीके से पूछ के कि भाई आपके ऊपर जो मतलब इल्जाम लग रहे हैं कि चेक से परचेज किया गया है और आप बीच में उतर गए, तो ये चेक किसके पास किया आप लोगों ने? जी लीगल तरीके से चेक होता है कि अगर वो लोग गांव वाले का जान बुझे तो उनके अकाउंट में जाएगा, तभी आपका रजिस्टर वैलिड होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर उनको जानकारी होती तो पूछते हो। जी एक तरफा न्यूज जो है इन लोगों ने चलाया है बिना हमारी न्यूज को बगैर सुने और बगैर जो समझे उसको जो है और डायरेक्ट जो जीवन देता है वो चला दिए। अब मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर उसकी न्यूज चलाने तो उससे उसका डॉक्यूमेंट हाजरा खातून का जो साइज पर नाम लिखा दिया और तय्यूम का चाचा वो जो चेक उठा लिया जो चेक उस पर डाला गया है उनसे बुला के पूछे कि आप लोगों ने चेक किसको दिया। अगर ये जमीन मालिक को जा रहा है तब तो जमीन मालिक फरार है, वो झूठ बोल रहे हैं, बराबर है ना जी, वो फरार है, आप सच्चे हो। अगर आपने किसी और को दिया है चेक तब आप लोग झूठे प्लान बना करके आप लोग लिया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इससे सवाल पूछे और डॉक्यूमेंट मंगाए। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्यूमेंट में किसी तीसरे का नाम नहीं लिया गया है, सीधा लिया गया कि खरीदने वाला इनको पैसा दे रहा है, गंगू भाई कमला भाई को आकाश को जयमाला ये सबको दिया जा रहा है, उसमें ये दिखाया गया उसमें किसी तीसरे पार्टी का नहीं। आम्हाला सांगितलं आमची दुसरी जमीन निघाली आणि आम्हाला सांगितलं ती जमीन विकायची, म्हणून आम्हाला ठाण्याला घेऊन गेले आणि ठाण्याला घेऊन गेल्यानंतर तिथे त्या लोकांनी आमच्या सह्या घेतल्या, तर आम्हाला माहिती नव्हती का दुसरी जमीन विकली आहे, पहिली आम्ही जमीन विकली आहे तीच जमीन परत विकताय, ही गोष्ट आम्हाला माहिती नव्हती।